अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, आप लोगों को पता है कि आज हमने अली भाई और अक्सा भी के साथ जाना है नारायण खान, और यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट तो हो गए हैं यहाँ पे खड़े हमारा वेट कर रहे थे। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा वेट किया, और हम माजरत चाहते हैं कि थोड़ा सा हम लेट हो गए। लोकेशन का थोड़ा सा मसला बन गया, लोकेशन का बनता ना, हमने बड़े टाइम से जाना पहुंच जाना था। सही सही। तो आपका जो है ना वो शुक्रिया कि आपने यहाँ पे खड़े होकर हमारा वेट किया। ये नारायण जा रहे हैं इस्लामाबाद से 35 मिनट में, 35 मिनट का रास्ता सोच के आए। हमने यही देखा था कि लोकेशन, हमें मुझे लगा था कि 35 मिनट में हमें चले जाना, जब हमने इनके साथ आए तब पता चला कि 35 मिनट नहीं 6 घंटे लग रहे हैं यहाँ से। मैं कह रहा हूं कि आपका तो नारायण फिर आ गए जी। भी नहीं, नारायण से आगे आ गए हम। आप आगे आ गए। चलें फिर, टाइम वेस्ट ना करें तो निकले फिर। जी अभी जी बिल्कुल, काम टाइम काफी हो जाना है। चले, लेकिन अभी हमने रास्ते में यही नहीं, हमने पैदल जाना है, हमें रुकना है जगह जगह। जी बिल्कुल। अच्छा जी, हमारा जो सफर है वो स्टार्ट हो गया हुआ है नारायण खान का, और मैंने कहा थोड़ा सा आपको व्यू करवा दूं यहाँ पे। और बड़े मज़े के रोड हैं यहाँ पे, और हमारे साथ ही भाई अली और अभी अक्सा जो है ना वो भी हमारे साथ साथ हैं। उनकी गाड़ी आगे है और हमारी गाड़ी पीछे है, क्योंकि लोकेशन उन्होंने लगाई हुई है, हम उनके साथ साथ चल रहे हैं। तो वहाँ जाके भी आप लोग, हमने अभी थोड़ी देर आगे स्टे करना है, तो वहाँ पर जो है ना वो आपको हम जो है ना एक साथ मिलेंगे। अच्छा जी, नारायण का गान के बारे में हमने सुना हुआ है कि मतलब बहुत ज़बरदस्त प्लेस है। वैसे हमारा माइंड बिल्कुल भी नहीं था यहाँ जाने का, हमारा माइंड था कश्मीर का, लेकिन फिर हम लोगों ने, क्योंकि ये जगह भी नहीं देखी थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग ना यहाँ पे जाते हैं और इस जगह की खूबसूरती को भी इंजॉय करते हैं। और माशाल्लाह अभी जब स्टार्ट हुआ है तो तब से ही मतलब बड़े खूबसूरत से मंजर आ रहे हैं, लेकिन दिल में थोड़ा सा खौफ भी है कि मतलब जो सुना हुआ है कि सड़कें इस तरह की होती हैं और वहाँ पर ड्राइविंग करना खासा मुश्किल काम होता है, तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा टेंशन भी है। लेकिन अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह हम लोग खैर वाफियत से पहुंच जाएंगे। डर तो होता ही है, जाहिर सी बात है जब बंदा कहीं जाता है, लेकिन जितनी ये जगह खूबसूरत है ना, इस जगह की खूबसूरती को देखते हुए डर जो है ना वो एक साइड पर चला गया हुआ है। और बस अब ये है कि हम फटाफट से वहाँ पहुँच जाएँ और वहाँ जा के पिक्चर्स वगैरह बनाएँ और अपने कैमरे में इसकी खूबसूरती को कैप्चर करें और आप लोगों के साथ भी इस चीज़ को शेयर करें। अच्छा जी, यहाँ पे हम बैठे हैं, एबटाबाद का इलाका है ये, और यहाँ पे नाश्ता करने के लिए स्पेशल हम आए हैं, क्योंकि अली भाई ने बताया था कि ये इसी होटल से जो है ना जब भी जाते थे नारायण का गान, तो इसी होटल इससे अभी हम आगे जाएंगे ना, तो हमें नारायण कोई पास पास पहुँच के नाश्ता मिलेगा। ये अभी मोटरवे आगे लंबी चल रही है, तो मैं एक बार यहाँ पे रुक लेता हूँ, लेकिन वो गुजारा बंधन करना होता है ना, मोटरवे पे कोई चीज मिलती नहीं है, मिलती है तो आपको पता है। बिल्कुल, इसलिए मोटरवे पे रुकने का फायदा ही नहीं है जी। हम भी जो है ना इसलिए इनके साथ आए थे, क्योंकि आपको पता है कि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं नारायण का गान, तो हमने सोचा था कि इनको सारे एरिया का पता है। हमने देखा था मेरे ख्याल में दो माह पहले आप भी गए हैं वहाँ पे, तो हमने सोचा कि इनको ना सभी एरिया का पता होगा, तो इनके साथ चलते हैं। तो ये है कि साथ साथ हमें गाइड करते जाएंगे, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से गाइड भी कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से साथ भी लेके चल रहे हैं। बस आपने छोड़ना नहीं गाड़ी को, पीछे पीछे आपने हम पीछे पीछे दो दफा ना मैंने ना कोशिश की, मैंने कहा जब हम करीब आ गए ना आपके, मुझे पता था आप हमारे लिए जो स्लो कर रहे हैं, जब मैं करीब आया ना तो मैंने कहा कि ना करीब इनके चला गया, मैंने कहा इनको जरा कट करवाऊं और ऐसे ऐसे करके जाएंगे, इनको ऐसे ऐसे करके जाते हैं। मैंने कहा जब मैंने एक दफा करना ना ऐसे, मैंने कहा एक दफा मैंने करना है, उसके बाद मैंने कहा जब इन्होंने आगे जाना फिर इन्होंने करीब नहीं लगने देना, इसलिए मैंने कहा पीछे नहीं बेहतर है। जी वो मैं देख रहा था, मैंने कहा वो आगे कहीं रुके होंगे, स्लो हो गए होंगे। मैंने कहा ये तो ट्रेंड है, तो आप तो इतने ट्रेंड नहीं है, आप इतनी तेज ना बुलाए, कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, वो ना उनका भी मसला बनना था, मैं अगर स्लो चलता ना उनका भी, पता क्या होता है मैं थोड़ी जब चढ़ाई आती है वहाँ पे एक स्पीड बनी होती है ना गाड़ी जी, तो वो उसी स्पीड से ऊपर चली जाती है, तो वहाँ पे स्लो नहीं करता, आगे आगे फिर मैं स्लो कर लेता हूँ। सही है। आयशा आप कैसी हो? बताओ कैसी है? गुड। कैसी हो बताओ ना। अच्छा माशाल्लाह कह दो, माशाल्लाह कह दो, आलू वाले पराठे जो है ना हमने मंगवा लिए हैं, और आलू वाले पराठे देख के हमें शर्म आ गई कि जो आलू वाले पराठे हमें जो है ना ये बर्गर लगे, ये हाफ हाफ है। अच्छा ये इसका नाम
नहीं नहीं ये आलू वाला पराठा है। चाय पराठे अली भाई ये पराठे हैं, ये देखे जरा आपने गुजरा वाले के पराठे और यहाँ के पराठे जो है ना, मेरे ख्याल में ये बर्गर लग रहे हैं, हमें पराठे नहीं लग रहे। हाँ जी, हाँ जी, और वैसे भी पराठे जो है ना उन्होंने केचप के साथ दिए, तो फीलिंग भी जो है ना बर्गर वाली आ रही है। अच्छा जी, फाइनली नाश्ता वगैरह करके दोबारा से हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ, और यहाँ पे जितने भी मकाम आ रहे हैं, दिल कर रहा है कि बंदा बस कैमरा और हम और कैप्चर करते जाएं, लेकिन बंदा कौन कौन सी चीज़ को कैप्चर करे, हम लोग कर नहीं सकते। दिल करता है अपनी आंखों में इसको कैप्चर कर लें और बाद में जब ज़रूरत हो फिर निकाल लें। और ये देखें पहाड़ जो है ना बहुत ऊंची, और मुझे मतलब अल्लाह की ये कुदरत देख के ना बड़ा मतलब समझ नहीं आती कि इंसान क्या बयान करे। जैसे दरख्त एक सीक्वेंस से लगे हुए और पहाड़ों के ऊपर लगे हुए और बड़े वो खूबसूरत मंजर जो है वो पेश करते हैं। अच्छा जी, हम गुजरे हैं या नारान जाने के लिए, हमें ये पता नहीं कौन सा गांव है, आलिया ये मस्जिद अक्सा आगे। अच्छा, ये पता नहीं कौन सा गांव है, यहाँ से हमें गुजरना पड़ रहा है, और यहाँ पे रोड देखें बिल्कुल छोटा सा रोड है, और दोनों साइड, हाँ जी, दोनों साइडों से जो है ट्रैफिक जा रही है, और हमजा मेरे साथ बैठा हुआ है हौसला देने के लिए, और पीछे जो है ना लुबना भी हौसला मुझे दे रही है, लेकिन मैं खुद भी जो है ना वो हौसले में ही हूँ, आप मुझे भी देख सकते हैं, और मैं चला रहा हूँ। इंशाल्लाह आज हम करके दिखाएंगे, फर्स्ट टाइम मेरा नारान का टूर है, तो इंशाल्लाह आज हम करके दिखाएंगे कि वाकई हम जो है ना नारान पहुँच गए हैं। मैंने इनको कहा है कि दुरूद पाक पढ़ते जाएं, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा और हम लोग खैर वाफियत से अपनी मंजिल मकसूद तक लाजमी पहुँचेंगे जी। बिल्कुल, और आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, कम्प्लीट व्लॉग हमारा एंड तक देखना है, जब नारान तक पहुँचेंगे, जितने भी एरिया दरमियान में आएंगे बड़ी बड़ी अच्छी जगह आ रही हैं, तो सब जगहों का आपको घर बैठे जो है विजिट करवाते हैं बिल्कुल बगैर पैसों के जी। अक्साली व्लॉग वाले हमारे साथ हैं, ये सामने उनकी गाड़ी है, हमारे वो आगे आगे चल रहे हैं, इनकी वजह से हमें ज्यादा हौसला मिला हुआ है क्योंकि ये हमारे साथ हैं, हमें हौसले में रास्तों का भी नहीं पता, जहाँ पे यानी कि टर्न वगैरह करना था वहाँ पे ये रुक के हमारा वेट कर लेते हैं, और वहाँ पे फिर हम जो है ना वो इनके साथ ही टर्न करते हैं तो हमें पता चलता है। ये देखें जी कितने डेंजरस से रोड हैं, और वन वे है सड़क, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे सरवाइव करने में, लेकिन अब फिर भी उमर गुजर जिंदाबाद। हाँ जी, फिर भी उमर जो है वो कह रहे हैं क्योंकि इनको खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस है, गुजर उनको भी पता चल गया गुजर। और ये देखें जी, हमने आपसे कहा था कि आपको अपने साथ साथ रखेंगे, आपको ऐसे फील होगा कि जैसे आप भी यहाँ पे आए हुए हैं हमारे साथ। और मेरे ख्याल तो मेरे ख्याल में गुजर जो है ना वो कम ही आते होंगे नारान के कारण, पहला गुजर नारान के कारण जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इस वजह से आप लोगों को जरा हम लोग विजिट करवा जी। यहाँ पे अली भाई ने ना हमें ये देखें गरियां लेके दी हैं सबको, और सभी जो है ना यहाँ पे गरी खा रहे हैं। अली भाई जी, गरी के लिए बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं कोई बात, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे इन्होंने लेके दी है, और यहाँ पे गुजर रहे थे तो रास्ते में यही चीजें नजर आ रही हैं यहाँ पे, और उन्होंने कहा कि यहाँ से लेके चलते हैं। वैसे खाइए, खाने में काफी जो है ना मजा आया, कैसी लगी लुबना? अच्छी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लोग खड़े थे, आईडी कार्ड मेरा रह गया था घर, मैंने फोटो कापी करवानी थी आईडी कार्ड की, तो फिर अली भाई जो है ना वो यहाँ आ गया, खड़े हो गए थे पीछे से फोटो कापी करवा रहे थे, अब यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो गई, और पीछे से माशाल्लाह से नज़ारा देखें कितना प्यारा लग रहा है ये पहाड़ों का, और ऊपर जो है ना वो बादल देखें बिल्कुल पहाड़ों के साथ है, बल्कि पहाड़ जो है ना वो ऊँचे हैं और बादल जो है ना उनसे नीचे हैं, और बड़ा जो है ना यहाँ पे मज़ा आ रहा है, और यहाँ पे बारिश में जो है ना वो थोड़ा सा भीग रहे हैं, हम सोचा कि बारिश में थोड़ा सा ब्लॉग बनाएं, और वो नीचे से जो है ना वो नज़ारा बड़ा प्यारा है, वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने कैमरे में जो कैप्चर करूँ वो भी आप लोगों को दिखाऊँ। ये देखें नीचे से, नीचे से मकान देखें, पूरी जो है ना वो बस्ती नीचे बसी हुई है, और ऊपर जो है ना वो पहाड़ हैं, और यहाँ पर जो नज़ारा हम कर रहे हैं वो हम अपने लफ्ज़ों में जो है ना बयान नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आपको दिखा सकते हैं, आला आप लोग भी देखिए कि कितना मज़े का जो है ना ये व्यू है। और अभी हमारा तकरीबन 2.5 घंटे का सफ़र बाकी है, तो बारिश स्टार्ट हो गई है, दुआ कीजिएगा हमारा बाकी का सफ़र भी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो गुजर जाए। भी आ गए हैं, चलें चलें आप आगे, बारिश में कोई मसला तो नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं। चलें बस मैं पिघल ना जाऊं।
अच्छा जी, यहाँ पे हमने सफ़र अपना दोबारा से स्टार्ट कर लिया और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। आप लोगों ने लाजमी दुआ करनी है हम खैर वाफियत से अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँचे, और बाकी के वे लोग इंशाल्लाह हम वहाँ जाके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, रास्ते में नहीं बनाएंगे। अच्छा जी, हम लोग जो है ना वो यहाँ पे पहुँच गए हैं नारान में, और ये गेट वे होटल है इसके बाहर अभी मैं खड़ा हूँ। तो हमारा इस वक्त जो है ना रबता मुनक़ता हो गया है अली भाई लोगों से, और वो आगे आगे आ रहे थे, हम उनके पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन ये है कि अचानक जो है ना वो जब हम यहाँ पे पहुँचने वाले थे तो वो थोड़ा सा पहले हमसे निकल आए, हम थोड़ा सा पीछे थे, और यहाँ पे आके सिग्नल प्रॉब्लम इतनी है कि हमारा रबता जो है ना बिल्कुल ही मुनक़ता हो गया उनके साथ, और अभी नंबर जो है मिल नहीं रहा। अभी ट्राई में कर रहा हूँ, हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि 10 लाख की सिम चलती है, और हमारे पास मेरे पास भी जायज़ की है और अली भाई के पास भी जायज़ की है, तो अभी ट्राई कर रहे हैं रबता, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके रबता हो जाए। अगर रबता होता है तो फिर जो है ना वो हम नेक्स्ट जो है ना वो सोचेंगे कि यहाँ पे क्या करना है। अच्छा जी, फाइनली जो है ना अली भाई को हमने ढूंढ ही लिया। सही बात है, हम लोग वहाँ से चलते हुए आ रहे हैं, भाई ने बल्कि मुझे कहा मैं आपको लेने आया, तो मैंने कहा थोड़ा सा हम जाते हैं, थोड़ा सा बाइक वाले नहीं, मैं थोड़ा सा आपके लिए आपकी हेल्प कर दूं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी ड्राइव भी करनी होती है। बड़ी मुश्किल से जो है ना ढूंढना है उन्हें यहाँ पे, पहले तो नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत थी, बहुत ज्यादा मुश्किल से नंबर मिला है जी, और जब नंबर मिला उसके बाद मेरे ख्याल में कोई 20 मिनट बाद जी 25 मिनट और इस दौरान मैं भाई को भी इतनी ज्यादा कॉलें कर रहा था लेकिन कोई कॉल नहीं थी मेरी, आपका मैसेज आ रहा था मुझे एक नंबर से। हाँ जी, वो मैं यहाँ पे एक लड़का खड़ा था उससे करवाया था मैसेज, वो पठान था कुछ, लेकिन वो कॉल नहीं था रिसीव कर रहा, उस पर मैंने बैक कॉल की थी, मैं फिर चला गया था तब उसके पास, मैंने कहा मैसेज इनके पास पहुंच गए होंगे, सही सही तो पता चल जाएगा वहां पे खड़े हैं। अक्सर ये बैठ गई ये पीछे, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ले जी, अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी पता नहीं भाई ने आज तक हम जब भी नारान आए ना हम बिल्कुल स्टार्ट में कोई नहीं रुके, तो हम जाते हैं बिल्कुल एंड पे, लेकिन भाई रुके बिल्कुल स्टार्ट में, हमें पता नहीं था ना कि आप कहाँ पे रुके, कहाँ पे रुके जी, स्टार्ट में रुके कि शायद पीछे से कहीं से आए या आगे, यहाँ पे हमारा वेट कर रहे हो, सही सही, हमने कहा कि पता चल जाएगा कहाँ पे। हाँ बस कितनी कॉल की, 25-30 कॉल की है मैंने, लेकिन मिल नहीं थी, लेकिन मिली नहीं कोई भी, लेकिन अच्छी लगी मैंने कहा हमारे साथ आए तो अब हमें कॉल भी कोई रिसीव नहीं कर रहे, तो पता नहीं कोई मसला ना हो गया हो, क्योंकि हमारे साथ है और आप पीछे रह गए और हम आगे थे जी, बहुत टेंशन लगी हुई थी। चलें, हमें खुद टेंशन थी, मैंने कहा पता नहीं वो भी टेंशन में हो गए, इधर हम टेंशन में, इधर वो टेंशन में हो गए, लेकिन शुक्र है कि नंबर मिल गया, मुझे ये तो पता नहीं मिल रहा, मैंने कहा हमारा भी जायज है उनका भी जायज है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मिल नहीं उसका टेलीनार का, लेकिन शुक्र है कि मिल गया, चलो चलो शुक्र लेके जा रहे हैं।